7,000 किलोमीटर और 6 महीने या फिर 6 महीने, दोनों में से जो भी चीज पहले होती है ना उस पर भाई आपकी सेकंड सर्विस होती है गाड़ी। कैसे होगी? तो मैं यहाँ से उदयपुर तो नहीं जा सकता। पंच पंच और पंच और यहाँ पर इस तरफ नेक्सॉन फ्यूल डालना पड़ेगा। नहीं है और फैन जाम है तो फैन बताएगा उसमें जो भी खराब होगी वो जो इसमें अगर कोई डीटीसी कुछ आई हुई है या अभी आ रही है दोनों चीज बताया। अच्छा एक तो पहले आगे चली गई हो तो अभी जैसे पंच में दो तरह के अपडेट चल रहे हैं। अच्छा ईसीयू का कोई अपडेट का या पूरी कहाँ इसको कहाँ लगाया इसको देखो ये क्या कम है या ठीक सर है। एक्चुअली क्या वो एक यूट्यूबर है उन्होंने डाला था वीडियो कि ईसीयू का अपडेट आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज हमारी जो है दूसरी सर्विस होने जा रही है गाड़ी की और कितने किलोमीटर चली है वो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बता देता हूँ। अभी दूसरी सर्विस होने को आई है तो अपने जो है वो 6 महीने पूरे हो गए हैं और इसलिए आज हम ले जा रहे हैं इसकी सेकेंड सर्विस के लिए। भाई तो भाई अपने हो गए हैं 6,608 किलोमीटर। भाई शायद 7,000 किलोमीटर और 6 महीने या फिर 6 महीने, दोनों में से जो भी चीज़ पहले होती है ना उस पर भाई आपकी सेकंड सर्विस होती है गाड़ी की। तो अपने 6 महीने भाई कंप्लीट हो गए हैं, उसके ऊपर हो गए हैं 6 महीने से। तो पिछली बार जब मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ कैंप नहीं लगा है, जब भी कैंप लगेगा तब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर 10-15 दिन तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई मेरा लगभग 15 दिन ऊपर हो गए हैं तो होप आशा करता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने फ़ोन करके पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब कैंप ही नहीं लगा तो भाई सर्विस कैसे होगी। तो मैं यहाँ से उदयपुर तो नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, 250-300 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, इतना दूर जाकर मैं सर्विस नहीं करवा सकता। तो भाई जब कैंप लगेगा तभी करवा सकता हूँ। आज यहाँ हमारे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। जो भी सूचना होगी ना भाई पूरा का पूरा वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, मैंने कहा है आपसे, परंतु अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो भाई जो जो होता है ना वो जरूर बताऊँगा इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। चलिए चलते हैं सीधा शोरूम के अंदर। ओ भाई अपनी गाड़ी जो है ना सर्विस सेंटर पर लेके आ गए हैं और यहाँ देख लीजिए पंच पंच और पंच और यहाँ पर इस तरफ नेक्सॉन अल्ट्रोज और हैरियर पड़ी हुई है भाई। और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर भाई सफारी। नहीं आ रहा होगा तो कोई नहीं। अच्छा तो इसमें जो अपडेट बताएगा मतलब कंप्यूटर में वही उस लैपटॉप के साथ में वही अपडेट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे वो। तो जो जैसे कोई खराब चीज होगी तो वो उसमें बताएगा कि भाई ये चीज खराब है। कैसे समझा नहीं। जैसे इसमें आप लगाओगे ना लैपटॉप तो वो चीज बताएगा उसमें जो भी खराब होगी वो जो इसमें अगर कोई डीटीसी कुछ एरर आई होगी तो वो उसमें बताएगा। तो वो उससे संबंधित बताएगा कि अगर ये दिक्कत आई हुई है या अभी आ रही है दोनों चीज बताएगा। अच्छा एक तो पहले आगे चली गई हो तो भी बताएगा और एक आ रही हो अभी दिक्कत हो तो भी बताएगा। अच्छा दोनों बताएगा। चलो यही मतलब सेकंड सर्विस में यही होगा कुल मिला के। अपडेट का है वो मैं डीएमएस में चेक करूंगा। उसमें कुछ अभी जैसे पंच में दो तरह का अपडेट चल रहा है, फैन फ्यूज का और एक स्टीयरिंग स्विच का। अच्छा ईसीयू का कोई अपडेट? ईसीयू का अभी अभी पंच में नहीं है। पंच में नहीं है, पंच में कोई भी अपडेट नहीं आया ईसीयू का अभी। नहीं चलो ठीक है हम चेक करेंगे अभी लैपटॉप लगाएंगे तो पता पड़ेगा। चलो ठीक है ठीक है ओके सर। विधि पंच पीछे से देखिए आप पूरी कहाँ इसको कहाँ लगाया इसको इसको नीम के पीछे, नीम के पेड़ के पीछे बैक लेते वक्त बैक। तो फिर इसका क्या करेंगे? सेंसर काम नहीं कर रहा था इसमें। सेंसर काम नहीं कर रहा था इसलिए हुआ ये वाले दोनों सेंसर। अच्छा काम नहीं कर रहे थे, क्या बात कर रहे हो यार, अभी भी काम नहीं कर रहे? अच्छा खैर वो तो ये तो एडवेंचर है सिर्फ, नहीं क्या एडवेंचर पंच प्योर रिदम विद। अच्छा तो भाई दो चीज़ें बताई थी मैंने इनको, मैंने कहा एक तो मेरे कूलेंट लेवल कम हो गया है और एक इस गाड़ी में से थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ रही है दो दिन से, तो वही अभी ये चेक कर रहे हैं। ठीक है ना दोनों आवाज़ें चावाज़ भी चेक करेंगे और उसके बाद कूलेंट लेवल भी चेक करें। अपनी गाड़ी चढ़ गई है ऊपर, ये देख लीजिए अपन जा रहे हैं पीछे पीछे। और आज अब आपने देख लिया होगा भाई कि ईसीयू का कोई भी अपडेट अभी तक इनकी नज़र में तो नहीं आया, इन्होंने इतनी सर्विस की है ना। अगर आया होगा तो अभी चेक करके पता कर लेंगे भाई कंप्यूटर लगा के कि कितना अपडेट आया है। कि हालांकि भाई एक भाई से मैंने बात की, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि ईसीयू का कोई अपडेट नहीं आया है, वो भी लैपटॉप लेके बैठे थे कि पंच में कम से कम ईसीयू का कोई अपडेट नहीं आया है। तो अभी ये कूलेंट लेवल अपने देखने वाले हैं भाई खोल के,
देखो ये क्या कम है या ठीक सर है कूलेंट लेवल? हल्का कम। कम है ना, ये काफी टाइम से इसी पे रुका हुआ है, मतलब इससे कम नहीं हो रहा है। डाल दोगे ये? नहीं, सर्विस में ही। बढ़िया साहब, भाई साहब 150 ग्राम कूलेंट कम हो, थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। पानी डाल सकते हैं, डाल के टॉप अप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बराबर रहे, मैक्सिमम तो लेना है, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, धन्यवाद ये भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। भाई इसमें अगर आपका थोड़ा सा कम रह रहा है ना कूलेंट, तो आप पानी भी डाल सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन भैया ने दी है। भाई एक्चुअली क्या, वो एक यूट्यूबर है, उन्होंने डाला था वीडियो के, ईसीयू का अपडेट आया हुआ है पंच के अंदर। मैंने उन भाई साहब से भी पूछा, वो जो जा रहे हैं ना गाड़ी लेके, उन्होंने भी कहा कोई अपडेट नहीं आया है। वो डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट ट्रेनर है। अच्छा, तो मतलब कोई भी अपडेट नहीं आया ईसीयू का? बिल्कुल, थैंक यू, बस यही मेरे को क्लियर करना था। क्योंकि देखो वो फिर अपन को झूठा साबित कर देते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो जो सही है ना ईसीयू का अपडेट। मैंने इनको भी पूछ लिया, कंप्यूटर लैपटॉप में भी लगा कर पूछ लिया, नहीं आया है पंच का, नहीं आया कम से कम। चलो ठीक है, यही क्लियर करना था बस। अब मेरे क्या खाली एक फ्यूज वाले ही आया है बस। फैन का है, उसमें चेक होगा। अच्छा, फैन फ्यूज का, फैन फ्यूज या फैन, उसमें चेक होगा, फैन चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर फैन हार्ड है, फैन हार्ड है, फ्यूज डालना पड़ेगा, नहीं है और फैन जाम है तो फैन भी डालना पड़ेगा। चलो चलो, नहीं है चेक, ओके। चलो ओके ओके सर, ओके ओके। मोड़न छोड़ीन बच्चे वॉशिंग पैरो खानो का चला आ जाओ, भूख लग रही है। चलो भाई अपन चल रहे हैं, क्योंकि देखो गाड़ी में बता दिया, एक वो पेपर तो उनके पास ही है गाड़ी का, ये भाई ये पेपर है अपनी गाड़ी का। और क्या अपडेशन आया है, कर दिया है ना टॉप अप, कूलेंट टॉप अप कर लिया है अपना। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूज अपडेशन, फैन फ्यूज अपडेशन आया है सिर्फ, और बाकी जो कूलेंट लेवल चेक है और सेकंड फ्री सर्विस है। बाकी फ्री सर्विस में भाई कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ जनरल चेकअप होता है। एक कूलेंट का मैंने बोला तो इन्होंने डाल दिया, फिल कर दिया, और एक फैन फ्यूज का अपडेट आया हुआ है, वो चेक करेंगे कि भाई फैन फ्यूज अगर सही काम कर रहा है तो फिर वापस डाल देंगे सही करके, और अगर खराब हो गया है तो भाई उसको चेंज करेंगे। तो इस दो के अलावा भाई जो भी मतलब आगे भी अगर अपडेशन हो रहा है, तो किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि ईसीयू का कोई अपडेट आया हुआ है। लैपटॉप चेक कर रहे थे जो भैया, उन्होंने भी मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया, और वो जो भैया अभी खड़े थे उन्होंने भी मना कर दिया कि पंच के अंदर ईसीयू का कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो भाई अब आप सोच लो कि अगले वाले ने, मैं नहीं जानता कौन है भाई, अब उनका नाम पता चला है यूट्यूबर का, तो भाई झूठ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ना भाई, कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि मैंने झूठ बोला है, तो झूठ मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। ईसीयू का कोई अपडेट मेरे यहाँ से नहीं आया, उनके वहाँ से आया हो तो मालूम नहीं भाई। इन्होंने पूछा कि मैंने तो भाई कंपनी में भी फ़ोन करके पूछ लिया, कहीं पर भी ईसीयू का अपडेट नहीं आया है। तो भाई इतना ही है इस वीडियो में, आगे जब भी ये गाड़ी वहाँ से आएगी ना, उसके बाद अपन वीडियो बनाऊंगा मैं, शायद इसी वीडियो में अगर ऐड कर दूंगा तो देख लेना आप, वरना भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।